अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सब फ्रेंड को अस्सलाम वालेकुम हो गया। एक नया वीडियो के अंदर ताज़ा इसके अंदर फिर हमको थोड़ा सा जोश और जज्बात आया और हमने कहा सोलो वर्सेस स्क्वाड हो, तो यहाँ पर हम जहाज के अंदर चढ़ गई है बगैर टिकट के अंदर, क्योंकि टिकट इसमें नहीं लगती। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जहाज के अंदर, अभी हम यहाँ से जहाज से छलांग लगाएंगे और जितना भी हम लूट पूट करेंगे यानी कि लूट मार उसको अभी हम कर लेते हैं तेज। तो दिस इज गोइंग हो गया तेज यहाँ पर हम तेज बहुत स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा तेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी सामान लूटो ना वो जगह तो मज़ा नहीं करती, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कर लिया फुल 1.5 का स्पीड के अंदर। तो 1.5 का स्पीड के अंदर हम यहाँ पर सामान लूटते हैं, क्योंकि जब सामान लूटेंगे तो इतना मज़ा आएगा, क्योंकि मेन चीज़ होता है सामान। तो सामान जितना जल्दी जल्दी हमने लूटना यहाँ पर लूटने का कोशिश किया और अपना मर्जी का सामान जल्दी जल्दी यहाँ पर लूट लिया। ये जब सामान हम यहाँ से लूटेंगे, मैंने अपना फेवरेट VSS उठाया और साथ में कार 98, हम भागना शुरू हो गए प्रिजन की तरफ। तो यहाँ पर हम अभी प्रिजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रिजन मेरा बेसट जगह है। तो प्रिजन की तरफ जैसे ही पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल में थी कि सिर्फ एक स्क्वाड होगी, लेकिन मुझको क्या पता थी ये स्क्वाड थे सब के सब लूटमार यहाँ आ गए। यहाँ पर मैंने एक फायर का कोशिश किया लेकिन नाकाम हो गया। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ इधर उधर देखने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ नीचे की तरफ देखता हूँ तो दुश्मन तो होते हैं। तो इस दौरान जो है ना मुझको एक ऊपर दुश्मन नज़र आता है। तो ये ऊपर दुश्मन देखो, इसने मुझ पर फायर का कोशिश किया, यहाँ पर वो हो गई ख़त्म। यहाँ पर ख़त्म होने के बाद मैंने अपना सन से बहाल किया, मैंने कार 98 का फिर लॉन्च किया और यहाँ पेप्सी कोका कोला का बोतल पी लिया। फिर मैं इधर देखो ना, इस जगह पर जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा शुरू में तुम लोग शायद बोर हो जाओ, लेकिन यकीन मानो ये इतना ख़तरनाक मैच हुई ना कि इतना ख़तरनाक तो मेरा अबू नहीं है मेरे लिए जितना ये ख़तरनाक मैच हो गई। यहाँ पर जो है मैं अभी थोड़ा सा अपना आवाज़ ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। तो तुम लोगों ने ये मैच इंजॉय करना है, क्योंकि ये दिस इज़ द फुल इंजॉय वाला मैच है। तो यहाँ पर मैं इधर बिल्कुल चट्टान के ऊपर आ गया, केटू का पहाड़ के ऊपर। यहाँ नीचे मैं इसको फायर का कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल नाकाम हो जाता है, IM बेस्ता हो गया। तो यहाँ पर दूसरे को मैं ट्राई कर रहा हूँ, लग गया, लेकिन वो उसका कमानी और इंजन मजबूत था इसलिए नहीं मरा। फिर दूसरे को भी कोशिश करता हूँ, वो भी नाकाम हो जाता हूँ। तो ये नीचे वाले बिल्कुल गुस्से के अंदर आ जाते हैं अब, क्योंकि उनका गुस्से का हक बनता है, कहते हैं कि हम आराम से लूट मार कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी बैड हो गई, क्योंकि मेरा शॉट पे शॉट नाकाम हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको थोड़ा क्लोज रेंज में आने दे, क्योंकि क्लोज रेंज पे मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर मैं फिर टावर की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मैं कई बार टावर पे शिकार हो चुका हूँ। यहाँ नीचे वाले दुश्मन अभी भी जो है ना परेशान होते हैं कि हम ऊपर वाले को पकड़े या नीचे वाले को पकड़े। फिर मैंने कहा तुम लोग नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले को पकड़ने का काम नहीं है तुम्हारा अभी। ये इसको फिर लग गया पिछावड़े में शॉट, फिर ना वो मरा नहीं, इनके इंजन मजबूत है। यहाँ पर जो है मैं फिर यहाँ थोड़ा ठंडा कुल हो जाता हूँ, क्योंकि ठंडा कुल का इधर हक बनता है। यहाँ पर फिर ये लोग पता है क्या करते हैं, अभी इधर तक देखो मैंने एक आदमी कत्ल किया है, पूरा 16 बंदा रह गए हैं। अभी देखना आगे क्या होते हैं, यकीन मानो बिल्कुल ठंडा कुल रहा मैं। तो यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल ओरिजिनल वाला फाइट स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर से बंदे मुझको कुछ नजर आते हैं, उनको मैं मारने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से तुमने अब लोगों तुम सब लोगों ने इंजॉय करना है, क्योंकि यही आगे इंजॉयमेंट जिसका शुरू हो गया, क्योंकि देखना मैं एक से लेकर ना 9 तक किस तरह बंदों को पहुंचाता हूँ। इसको एक टांग के ऊपर लगा भागते मुजरिम की तरह, लेकिन वो फिर बच गया। पता नहीं इसके कमाने और इंजन बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अब मैं इधर इधर से भागती हूँ, ये सामने वालों को फिर ये शॉट जो है ना मिस हो जाता है। मेरा दूर का स्नाइपिंग वैसे मज़े का नहीं है। अभी फिर गोइंग टू द फिर केटो के पहाड़ के ऊपर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आराम से। तो दुश्मन भी इधर पहुँचने के करीब है, कोई नज़र नहीं आया। मैं इधर डिंगा हो जाता हूँ, फिर मेरे एक पासे पे दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है मैं सीधा हो गया, लेकिन ये सीधा नहीं हो रहा, मुझको वट पड़ गए लगता है। वो देखो एक दुश्मन, वो मेरा इंतज़ार में है, मैं उसका इंतज़ार में हूँ। वो गया सिर के ऊपर लगा, लेकिन फिर भी वो कत्ल नहीं हुआ। पता नहीं मेरा ये कार 98 को सलाह जीत करने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
यहाँ पर जो है मैं आगे जाने का कोशिश करता हूँ, इसे आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसे आगे मैं बिल्कुल खामोश हूँ, कीप क्वाइट वाला सीन मेरे ऊपर लग गई। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जंग जो है ना, जंग यहाँ पर छिड़ जाता है मुकम्मल, तो इसलिए मैं अपना आवाज़ बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए तुम लोगों ने आगे इंजॉय इंजॉय करना है बिल्कुल, जिस तरह नाटी अमेरिका को इंजॉय करते हो इस तरह इंजॉय करो।